सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग गुड मोटर ब्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। तो आज देखो हम ऐसी बाइक्स लाए हैं, आपको तो पता ही होगा थंबनेल और कंटेंट टाइटल देख के, सॉरी आप जान गए होंगे कि आज का जो कंपैरिजन वीडियो हो वो किसका है। यहाँ पे कंपैरिजन है 155 सीसी वर्सेस 200 सीसी और दोनों गाड़ियाँ एकदम फेमस गाड़ियाँ भैया, एकदम कोई मतलब बताने की जरूरत है नहीं। पावर फिगर्स अभी सारी बात करेंगे कि आपको कौन सी लेना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपने हिसाब से सारी बात बताएगा आपका भाई। बस वीडियो में बने रहे, वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर बने रहिएगा। तो चलिए गाड़ियाँ दिखाते हैं। सबसे पहले तो गाड़ियाँ देखो भैया, इधर यामाहा R15 वर्जन 4 ब्लू कलर में, जो कि बहुत ही मतलब कूल लग रही है, सेक्सी कह सकते हो। और इधर जो है डेंजर वाला लुक, मतलब एग्रेसिव, मतलब होता है ना चीता वाला लुक, तो ये वैसा टाइप का आप देख सकते हो। आगे प्रोजेक्टर दोनों मिलते हैं जो कि बहुत एग्रेसिव लग रहे हैं, ये थोड़ा शार्प लगती है। भाई देखो लुक्स के मैटर में R15 RS से अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन RS का एक अलग अपना जलवा है। सबकी मतलब अपनी अपनी पसंद है, सबका अपना अपना पहचान है। तो हम बात करेंगे आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। जैसे गाइस कि आज की डेट में क्या हो गया ना कि अगर कोई बाइक लेने जाता है इन सब बाइक्स कैटेगरी में, जैसे 155 में या 200 में, सबसे पहले बंदा को ये चाहिए कि गाड़ी दिखने बहुत अच्छी होनी चाहिए, माइलेज दे या ना दे। तो भाई देखो पहला पॉइंट, पाँच पॉइंट का ही सिर्फ बात करेंगे, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिखने में RS भी कम नहीं है, R15 यहाँ पर बहुत अच्छी है, थोड़ा मतलब RS के कंपेयर में। लेकिन यहाँ पे बजाज RS को अपडेट नहीं दे रहा, कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ ग्राफिक्स का अपडेट है। देख सकते हो आप इधर दोनों तरफ, चाहे आप पूरी देख लो, बस ग्राफिक्स का अपडेट है। बाकी अगर R15 की बात कर ले तो देख सकते हो एकदम तमाशा वाला फीलिंग है भैया, मतलब कि एकदम दूर से जिसकी नज़र इस पर ना पड़े, आप बगल से लेके चल जाओ इस पर नज़र पड़नी पड़ती तो उसी भी उस पर भी है गाइस। लेकिन RS जो है ना थोड़ा अब और टाइप हो चुका है कि यार यार RS ही तो है, और R15 थोड़ा समझ सकते हो कि R15 थोड़ा लगता है कि हाँ R15 है। तो ये हो गया लुक्स का मैटर। अब दूसरी बात कर लेते हैं भैया, गाड़ी तो लेने गए हैं, हमको थोड़ा पावर भी चाहिए। तो भैया शहर में इनिशियली पावर जो है तो इस घोड़े में है, इस घोड़े में उतना नहीं है, इस घोड़े में है, जो कि आपको एनी टाइम किसी को चीरना है, किसी को निकालना है, फाड़ के एकदम निकलना है, तो RS वहाँ पर अपनी काम करेगी, ना कि R15 पिलियन के साथ भी अगर बात कर ले गाइस, तो RS अपना वैसा ही परफॉर्म करती है जैसे सिंगल में परफॉर्म करती है, और R15 पिलियन में तो और इसका एकदम क्या बताए हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन उतना ख़राब नहीं होता, कह सकते हो कि ठीक है, लेकिन RS कुछ वो सुनती ही नहीं है, नहीं मानती है भैया। वो डबल में रहो चाहे तीन लोडिंग में रहो, फिर भी उसका पावर वैसा ही निकलता है। तो यहाँ पर पावर के मामले में जो भैया RS विन होती है। तीसरी पॉइंट बात कर लेते हैं माइलेज के, तो माइलेज में यहाँ फिर R15 इज़ विनर बिकॉज ऑफ 155 सीसी एंड VVA टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर R15 जो है विनर है माइलेज के मामले में। हालांकि मेरी RS अभी हो गई, मेरे को 2 महीना ले हुए, 35 का एवरेज दे रही है जान लो आप, और मतलब हाई स्पीड पे नहीं, नॉर्मल इसे चल रहे हो 60-70-50। और अगर R15 की बात कर ले तो ये जो है आराम से ओनर बता रहे हैं कि 45 से 50 तक का माइलेज दे देती है अगर ना खींचे तो। अब सोच लो भैया कि 150 सीसी का इंजन, पावर भी और माइलेज भी, तो समझ सकते हो ना कितना फ़र्क है गाइस। तो माइलेज यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा मिलेगा R15 में। चौथी चीज़ पार्ट्स की क्वालिटी, कि भैया हम गाड़ी तो ले रहे हैं थोड़ी मजबूत भी रहनी चाहिए, तो अगर मजबूती की बात कर ले तो यहाँ पे RS देख सकते हो आप, देख सकते हो ये देखो ये ऐसे ही हिल रहा है, देख रहा ये ऐसे ही हिल रहा है। RS की कोई पार्ट आप हिला के दिखाओ कोई RS का पार्ट कोई हिल जाए, देख लो इधर कोई भी पार्ट्स RS का हिल नहीं सकता। बट R15 का ये भी जो पीछे देख सकते हो आप, ये भी अगर पकड़ के हम पीछे कर ले तो ये टूट भी सकता है। और इधर बात कर ले तो RS का भैया इसको पकड़ के आप पीछे खींच सकते हो, ये इतना मजबूत है। और इधर तो कुछ है ही नहीं, देख सकते हो ये तगाई, ये देख सकते हो सब थोड़ा क्वालिटी कम है RS के मामले में। तो हमने चौथी चीज़ बता दी आपको पार्ट्स की क्वालिटी। अब पाँचवा चीज़ कि भैया इंजन की रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस तो है लेकिन इंजन स्मूथ किसका ज़्यादा है और बढ़िया किसका है। तो यामाहा यहाँ पर उससे बढ़िया है, आप चाहे ऐसे भी चला लो चाहे नॉर्मल भी, RS थोड़ा बजती है, मतलब कि RS बजती मतलब कि आपको टॉर्की फील होगा, एकदम वम वम ऐसा फील होगा, लेकिन R15 जो एकदम ग्रंट वाला फील होगा, हैं हैं ऐसा फील होगा। और चलो पाँचवा पॉइंट हमने बात कर लिया इंजन रिफाइनमेंट का, तो इट्स मोर रिफाइंड बट इट्स मोर कंफर्टेबल एंड प्रीमनेस, समझ सकते हो ना, दोनों बढ़िया है यार, किसी को बुरा नहीं कर सकते। बात कर ले सस्पेंशन की, तो एंट्री फिक्स फिक्शन अपसाइड डाउन USD फोक मिलता है इसमें, और उधर नॉर्मल सा टेलीस्कोपी सस्पेंशन जो एंट्री फिक्स वाला। दूसरी अगर पीछे से बात कर लें तो यहाँ पे जो है मोनो सस्पेंशन दोनों मिलती है। पीछे की टेल लाइट आप देख सकते हो किसकी बढ़िया लग रही है, इसकी अच्छी लग रही है या फिर उसकी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। और
कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताना। एग्जॉस्ट साउंड ऑफकोर्स आपको पता है, एग्जॉस्ट आर जो है जब चिरती है एकदम आवाज़ करती है, ये थोड़ा मतलब कि उतना ज़्यादा एग्रेसिव वाला साउंड R15 से नहीं निकलता जितना कि RS से निकलता है। तो हमने सारी 6 के 6 पॉइंट आपको बता दिए, और कुछ रात की अगर विजिबिलिटी की बात कर लें, क्योंकि ये पॉइंट नोट करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। RS में 2 प्रोजेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है अगर R15 की तुलना में करें तो। ये हालांकि है LED, बट यहाँ पे प्रोजेक्टर अगर आप रात में चालू करोगे तो RS का लाइट बहुत ज़्यादा है, R15 कम नहीं है, बट इसकी जो विजिबिलिटी है वो 2 प्रोजेक्टर के सामने डूब जाती है। तो अगर किसी R15 के पास ओनर के पास है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कैसी लगी मेरी कंपैरिजन वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा इस, और आप इन दोनों बाइक्स में अगर मैं कहूँ इस टाइम लेने के लिए, अगर आपको पावर नहीं चाहिए सिर्फ और सब कुछ बढ़िया चाहिए देन गो फॉर यामाहा, और अगर आपको पावर चाहिए, थोड़ा मजबूती चाहिए, थोड़ा मतलब कि भगाने के लिए और माइलेज वगैरह से मतलब नहीं है, देन गो फॉर RS। एंड यू कैन टेक एनी ऑफ दिस 2 बाइक्स बिकॉज ऑफ इट्स स्पेक्स, दोनों बाइक की स्पेक्स अलग है, दोनों बाइक्स की पार्ट्स क्वालिटी अलग है, दोनों बाइक्स की हमने आपको बता दिया पावर फिगर से और बॉडी टाइप सब स्ट्रक्चर फ्रेम वगैरह सब अलग है। तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो गाइस, और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। टायर सेक्शन अगर बात कर ले तो यहाँ पे RS 1 पॉइंट कम पड़ जाती है, क्योंकि हेयर इट्स यू गिव रेडियल टायर ऑफ MRF का रेडियल टायर मिलता है आपको, जो कि 140 सेक्शन का है, अब तो 150 सेक्शन मिल रहा है गाइस। तो यहाँ पे टायर वगैरह जो है यामाहा कुछ अच्छी प्रीमियम क्लास की दे देती है। तो चलिए बाकी हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई। वीडियो पसंद आएगी प्लीज लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। टिल देन राइट से फैमिली से पैन चले, स्टे ट्यून विद गुड मोटर ब्लॉग्स, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून। चलो गाइस बाय बाय।